फिर अगले पड़ाव पर चलते हैं। वात पित्त और कफ को का जो दोष है वो दूर करने के लिए अगर कोई रामबाण नुस्खा भी है आपके नुस्खे वाली पोटली में तो आप उसकी तैयारी कर लें। तब तक हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। पूरा दिन गैजेट्स में अटके क्यों प्रकृति से दूर हुए बच्चे, पेड़ पौधों से दूरी से नुकसान, कम उम्र में रुका शरीर का विकास, समर वेकेशन में योग, बढ़ेगी लंबाई, होगी पूरी ग्रोथ। कल योग गुरु स्वामी रामदेव बच्चों की लंबाई हाइट बढ़ाने वाले योगासन बताने वाले हैं, साथ में ऐसे आयुर्वेदिक उपाय भी बताएंगे जो रुकी हुई ग्रोथ को प्रॉपर ठीक तरीके से ठीक कर देंगे। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा ताकि आपके बच्चों की हाइट प्रॉपरली बढ़े और सेहतमंद भी वो हमेशा रहें। स्वामी जी क्या तैयार हो रहा है? तैयार हो रहा है एक तो ये एलोवेरा ना, ऐसे तो ये देखो इसमें लार्च ही निकलती है, लेकिन जब इसको आप मिक्सी में ऐसे घुमा देते हैं ना तो फिर इसकी ये लार खत्म हो जाती है। तो जिनको पित्त रोग हो वे तो वीट ग्रास, लौकी और एलोवेरा का जूस पिया करें। जिनको वात दोष हो वे निर्गुंडी तीन पत्ते वाली होती है, ये पारिजात है, निर्गुंडी, पारिजात और गिलोय, ये तीन परम औषधियाँ हैं। किसी को जो है सहजना भी मिल जाए तो और अच्छा है। और ये पांच चीज़ें मैंने बताई, उसमें से तीन भी मिल जाए ना, निर्गुंडी, ये पारिजात और गिलोय, ये भी वात रोगों के लिए परम औषधि है। किसी को ना मिले ये पारिजात निर्गुंडी तो हम भी उपलब्ध कराते हैं, निर्गुंडी पारिजात सूखे इसका काढ़ा बना के पीने, नहीं तो पीने तक क्वाथ ही पीते। अब कफ रोगियों के लिए मैंने बोला था कफ के रोगी को दूध पीना है, तो अकेला दूध पियेंगे तो ये शरीर में प्रॉब्लम पैदा कर देता है, कफ बढ़ जाता है। तो कफ के रोगियों को ये छोटी पिपली एक दो से शुरू करके ये छोटी पिपली ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी बड़ी पिपल भी वो उसी की प्रजाति है, एक ही फैमिली के है ये। और इसको जब ऐसे कूट करके और दूध में डाल करके पका करके पिला देते हैं तो ये दूध औषध के रूप में तैयार हो जाता है उनके लिए जिनकी प्रकृति कफ की है। तो अकेला दूध ये कफ कारक है, क्योंकि इसके अंदर मलाई भी पूरी है, इसके अंदर घी भी पूरा है। तो इसको ऐसे पक करके ना फिर ये एक फूल जाती है, तो मंद आंच पर इसको पकाना चाहिए और ऊपर से फिर च्यवनप्राश खा ले तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आज जो हमने वात पित्त कफ के लिए उपाय बताए हैं, इन उपायों के बाद अब किसी को कोई रोग नहीं होगा। मूलतः सब रोगों की जड़ में वात पित्त कफ त्रिदोष का असंतुलन है। दुर्भाग्य से एलोपैथी में वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए वो रोगों को जड़ से दूर नहीं करते। हम जड़ पर वार करते हैं, कारण का निदान करते हैं, निवारण करते हैं, इसलिए कार्य रूप में बीमारियां कुछ होती ही नहीं है। एलोपैथी की दवाइयां जो सिंथेटिक हैं वो खाली सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं, हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वात पित्त के कफ के अब कोई रोगी देश में नहीं रहेंगे, इंडिया टीवी पर जो उपाय बताए उनको करेंगे। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।